बताओ बताओ सूरज भैया बताओ। अरे अरे मैं तो हार जाऊंगा। अरे सूरज भैया विंटर आने वाला है क्या? भाई साहब थारन भी टक्कर दे रही है लेकिन। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भाई सामने देख सकते हो दो बाइक्स खड़ी हैं जिनका आज हम कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं। ड्रैग रेस करेंगे, लॉन्ग रेस भी होगी इसी में। तो भाई बाइक्स की बात कर ले तो पहले अपने पास है हीरो की करिश्मा XMR 210 cc जो कि अभी न्यू लॉन्च आई है 2024 में। उसी के बगल में खड़ी है बजाज की पल्सर RS 200, BS6 फेज 2, BS7 बोल सकते हो इसको। और इन दोनों बाइक्स की बात करी जाए तो भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है RS जो है चली है, काफ़ी टाइम से मार्केट में बनी हुई है 2013-14 से। और XMR अभी अपनी बाइक लॉन्च की है, इसको इसमें हमने अपग्रेड किया। इसका पहले भी करिश्मा ZMR आती थी, उसी को अपग्रेड करके XMR में निकाला गया है। बाकी बाइक्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको पहले RS की स्पेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ आपको 200 सीसी के इंजन के साथ में 24 पीएस की पावर और 18 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे XMR की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 210 सीसी के इंजन के साथ में 25 पीएस की पावर और 20 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है देखने को मिलने वाला है। टायर सेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 100 सेक्शन टायर इसमें भी और 100 सेक्शन टायर फ्रंट में RS में भी देखने को मिलने वाला है। रियर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 130 सेक्शन पीछे देखने को मिलेगा और XMR में 140 सेक्शन देखने को मिलने वाला है। दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। डिस्क कैलिपर की बात कर ले तो दोनों में आपको बाइब्री देखने को मिलने वाले हैं, देख सकते हो दोनों में आपको बाइब्री देखने को मिलने वाले हैं। दोनों बाइक्स में आपको ABS देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लें तो यहाँ पे वही पुराना डिजिटल प्लस एनालॉग देखने को मिलने वाला है। और XMR की बात कर ले तो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और कल स्विच वगैरह काफ़ी प्रीमियम कर दिए गए हैं XMR में। और प्राइस सेगमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे भाई दोनों के प्राइस लगभग सिमिलर होने वाले हैं। 2,15,000 की ये पड़ती है, 2,07,000-08,000 रुपये की RS भी पड़ने वाली है। बाकी चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफ़ी कंफर्टेबल जो है XMR की सीट्स हैं, देख सकते हो ये थोड़ा सा हार्ड आती हैं RS की। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी फ्लफी सा जो है देखने को मिलने वाला है। काफ़ी जो है कलर रेड कलर आया है, येलो कलर आया, ब्लैक कलर आया। XMR में 3 कलर देखने को मिलेंगे, RS में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको देखने को। तो चलिए अब इस बैटल को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बाकी मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो करो। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी बाइक विन करती है। तो हम आ चुके हैं बाइक्स पे। पहले मैं चलाऊंगा पल्सर RS 200 और भैया चलाएंगे करिश्मा XMR। तो चलिए शुरू करते हैं। इनिशियल में RS निकल गई है, जहां पल्सर किंग हुआ करती थी टॉप एंड में और उसमें सब में। वहां आज ये पीछे जा रही है, देख रहे हो। अब देखते हैं XMR इसको क्रॉस कर पाती है कि नहीं कर पाती है। पांचवे गियर लगा दिया तो और दोनों में 6 गियर ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए। ओ भाई XMR तो चीरते हुए निकल गई भाई। अरे दादा बस इसकी यही खराब जो है RS में लिमिटर जो अब दे दिया गया है, इसकी जगह पे BS3 RS होती तो भाई मजा ही आ जाता। लेकिन यहाँ पे भाई RS जो है BS7 है और यही अभी आ रही है। BS3 तो डिसकंटिन्यू हो गई, BS4 भी डिसकंटिन्यू हो गई। अब यहाँ पे BS6 फेज 2 आपको देखने को मिलेगा जो कि भाई कार पीछे कर दिया भाई XMR ने। लिमिटर भी आ गया इसका। देने वाला ऑप्शन है भाई साहब। ये है ABS का कमाल, देख सकते हो। यहाँ ब्रेक मारेंगे तो 4 किलोमीटर बाद रुकेगी जाके। क्या कह रहे तो हार गए? अब हार गए तो क्या करे, पावर ही नहीं है, लिमिटर आ जा रहा है।
तो चलिए आप गाइस राइडर स्विच कर लेते हैं, मैं चलाऊंगा XMR को, तो देखते हैं आप क्या होता है। गियर इंडिकेटर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, उसमें भी देखने को मिलेगा। अब ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो चलिए राइडर स्विच हो गया। लाइट वेट का फायदा समझ रहे हो भाई साहब, स्टार्टिंग से ही आगे हो गया लौंडा। आरएस यहाँ पे पहले ही पीछे हो गए क्योंकि मेरी शिफ्टिंग बहुत अच्छी है, देख सकते हो आरएस काफी पीछे है और वो आगे नहीं निकलने वाली अगर मैंने मौका नहीं दिया तो। देख सकते हो काफी पीछे हो चुकी है वो, मतलब आ रही है वो आगे निकल पाए उसमें लिमिटर की वजह से भाई मुझे नहीं लगता वो निकल पाएगी। देखते हैं, पीछे लगी हुई है, पीछे बस मिरर में देख सकते हो पीछे लगी हुई है लेकिन इतनी पावर उसके अंदर नहीं बची है कि वो निकल जाए, मुझे लगता है ऐसा। तो देखते हैं, आ तो रही है, लगी हुई है पीछे इधर से। बहुत ज्यादा है, 142 ही जा पा रही है, अभी आपने उधर से देखा होगा 149 जा रही थी। देखते हैं कितनी दूर तक ये जा पाती है इसको। और बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे स्टंट की वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है। आरएस में लिमिटर आ चुका है, हार गए आप, फिर करेंगे। चलिए एक राउंड और करते हैं। फिर से इनिशियल में पीछे है सूरज भैया। पता नहीं, मेरे वेट का भी फर्क है ना, उनका 70-80 किलो के आसपास है, मेरा 55-60 किलो है, तो इस वजह से इनिशियल में जो है आरएस पीछे हो जा रही है। आरएस आ तो रही है लेकिन यहाँ तो गैप मेंटेन हो जा रहा है बहुत। ये लगी आई, भगाओ भगाओ सूरज भैया भगाओ, अरे अरे मैं तो हार जाऊंगा, अरे सूरज भैया लिमिटर आने वाला है क्या? ये है हीरो का कमाल, ये अब थोड़ा नीचे जाते, क्या बात है, स्टॉक मार्केट हो रही है। जब तक लिमिटर नहीं होगा तब तक तो काम ठीक रहता है, कम से कम थोड़ा तो रहते हैं साथ में। क्या बात है, निकल नहीं पाती आगे, लेकिन यहाँ पे भाई XMR में लिमिटर तो नहीं हिट हो रहा है। भगाओ भगाओ और भगाओ,
44 ये चल रही है RS 200 बगल में। भगाइए सूरज भैया, क्या हुआ, नहीं भाग रही है? हार गए आप? R1 हरा सकती है। R1 5 नहीं, R1। तो गाइस अभी तक हमने R1 5 V3 से इसका कंपैरिजन नहीं किया है, तो इसके बाद आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट जरूर कर देना कि V3 या V4 से इसका कंपैरिजन किया जाए। और एक लेजेंड बाइक और है, गेस करो व्हाट, 220F, तो उसके साथ भी कंपैरिजन इसका करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हो, चैनल पर सब्सक्राइब करते हो, तो भाई उसके लिए उसका भी कंपैरिजन बहुत जल्दी लाएंगे। और किस बाइक से कंपैरिजन चाहिए XMR का, ये जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करना इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। चलो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल।